हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं 18 से 20 जुलाई 2021 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है, आप सेशन को एंड तक देखिएगा जिससे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पिन कर दिया जाता है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर्स को और देखते हैं कि क्या है कुछ नया। नेल्सन मंडेला, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो आपको बताना है कि ये जो मनाया गया है 18 जुलाई को मनाया जाता है, हर साल ये 18 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार मनाया गया 18 जुलाई 2021 की। तो इसका जो थीम आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है इस बार की वन हैंड कैन फीड अनदर। ठीक है, वन हैंड कैन फीड अनदर, आपको याद रखना है इसके थीम को। और जो इम्पोर्टेंट डेज होता है वो मैं अपने वीडियो में आपको कवर कराता हूँ, तो आप पूरे वीडियो को जब आप प्रीवियस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता था ये मैंने पिछले दिन कराया था, आप जाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे कि 17 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है। वहीं पर देखते हैं 18 जुलाई 2021 को आयोजित किया गया ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो इस बार की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 वाली किसने जीत ली। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज की ओर से खेलते हैं, इसने इस बार की जो ग्रैंड प्रिक्स है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है, उसने जीत ली है। किसने? लुइस हैमिल्टन ने, लुइस हैमिल्टन ने। आपको याद रखना है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया। किसकी ओर से खेलते हैं तो ये खेलते हैं मर्सिडीज की ओर से। वहीं पर दूसरे स्थान पर रहे चार्ल्स लेक्लर, चार्ल्स लेक्लर ये फेरारी से खेलते हैं। ठीक है, फेरारी की ओर से खेलते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है फेरारी की ओर से चार्ल्स लेक्लर, और ये दूसरे स्थान पर रहे। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज की ओर से खेलते हैं, ये तीसरे स्थान पर रहे। और लैंडो नॉरिस चौथे स्थान पर रहे, ये भी मर्सिडीज की ओर से खेलते हैं। आपको यहाँ से इतनी जानकारी ही चाहिए। द इंडिया स्टोरी पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो बुक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखने हैं। बिमल जालान जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, आरबीआई के पहले गवर्नर रह चुके हैं, इनके द्वारा लिखी गई है एक बुक द इंडिया स्टोरी। ठीक है, द इंडिया स्टोरी आपको इस तरह से भी याद रखना है। द इंडिया स्टोरी का अगर आपको पूरा बुक का नाम बोले तो एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। क्या? एन एपिक जर्नी, एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो आपको इसका टाइटल क्या है, द इंडिया स्टोरी द एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। सॉरी, तो बिमल जालान की ये बुक है और इसने लिखी है। वहीं पर बात करते हैं सलमान रुश्दी की, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सलमान रुश्दी की जिसका नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। आपको इतने से याद हो जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, इस लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, इसको इसका पूरा नाम है ऐसे 2003 to 2020। तो इतना याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है सलमान रुश्दी की एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट अभी है, सलमान रुश्दी की लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। वहीं पर शिवशंकर मेनन की एक बुक है जिसका नाम है इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स, इंडियन एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स। वहीं होम इन द वर्ल्ड किसकी बुक है, होम इन द वर्ल्ड किसकी बुक है, तो आपको इसको भी याद रखना है, होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन की बुक है। ये आपको मैंने बुक का ही नाम यहाँ पर दे दिया, अमर्त्य सेन। ठीक है, ये कौन है, इसको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, भारत के पहले व्यक्ति हैं जिसे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन, इसने बुक लिखी होम इन द वर्ल्ड। तो बुक से रिलेटेड ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस बार जो कान फिल्म समारोह हुआ है, कान फिल्म फेस्टिवल 2021 वाला, ये कौन सा संस्करण था इसका, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 74वां संस्करण था, 74वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है। तो ये हैं पायल कपाड़िया जी। ठीक है, पायल कपाड़िया जी को कौन अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए ये प्राइज मिला है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का जो पुरस्कार होता है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ओइल डी और, इसका नाम क्या है, ओइल डी और, ये हैं पायल कपाड़िया जी, और इनको मिला है अपनी डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। इसका डॉक्यूमेंट्री का नाम है अ नाइट ऑफ Knowing Nothing, ये है डॉक्यूमेंट्री पायल कपाड़िया जी की, और इसे ये भारत की हैं, और इन्हें सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड
पुरस्कार मिला है जिसका नाम है ओइल डी और, ठीक है, पायल कपाड़िया। वहीं पर बात करते हैं कि जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया कांस फिल्म फेस्टिवल में, वो किसको दिया गया है? रीनेट रेनशिव को, ठीक है, रीनेट रेनशिव को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और इस ये किस मूवी के लिए दिया गया, तो आपको याद रखना, द वर्स्ट पर्सन इन लाइफ, द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड मूवी के मूवी में इन्होंने रोल किया था रीनेट, जो कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें मिला है। वहीं पर कैलेब लैंडी जोन्स, जो कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें मिला है, किस कौन से मूवी के लिए मिला है, तो इसको मिला है निट्राम के लिए, ठीक है, निट्राम, ये आपको याद रखने हैं। वहीं पर आप देखिए लियोस कैरेक्स जो हैं, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है कान फिल्म समारोह में, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है कान फिल्म समारोह में। कौन से मूवी का डायरेक्ट किया था? एनेट, ठीक है, एनेट। तो अगर आपको कान फिल्म समारोह में जितनी भी विनर की लिस्ट है अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। अभी यहाँ से इतनी ही जानकारी यहाँ पर ऑप्शन से हम लोग देख लिए। चलिए देखते हैं गूगल क्लाउड ने, जो कि गूगल एक कंपनी है, ठीक है, उसका एक क्षेत्र गूगल क्लाउड ने, ठीक है, और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई साहब। तो इन्होंने भारत में अपना दूसरा क्लाउड रीजन, क्लाउड क्षेत्र कहाँ खोला है? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में खोला है दूसरा क्लाउड क्षेत्र, दिल्ली NCR में। वहीं पर पहला कहाँ था? तो मुंबई में। अभी पूरे वर्ल्ड में जो गूगल क्लाउड की पूरे वर्ल्ड में जो क्लाउड रीजन है वो है 26, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 26 क्लाउड रीजन है गूगल क्लाउड की। अच्छा, ये जो गूगल क्लाउड ने जो अपना दूसरा गूगल क्लाउड क्षेत्र खोला है, इसके बारे में एक बार जान लीजिए कि गूगल भारत में एक नया क्लाउड क्षेत्र लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो संगठनों को, जो कि बहुत सारे संगठन होते हैं, संस्थान होते हैं, उनको डिजिटल रूप में से बदलने और घर के करीब नवाचार में तेजी लाने में सक्षम बनाएगा, यानी कि इनोवेशन करने में आपको डिजिटाइज करने के लिए यह सक्षम बनाएगा, क्योंकि जो हमारा देश है वो डिजिटल फर्स्ट भविष्य की ओर अपना अगला कदम उठा रहा है। हमारे देश में आपने सुना होगा डिजिटल इंडिया, और भी आपने देखे होंगे कि डिजिटल क्षेत्र में बहुत क्रांति सी आ गई है। तो ये बात इसके लिए क्या हुआ है कि गूगल क्लाउड ने दूसरा क्लाउड क्षेत्र खोला है दिल्ली में। टेक दिग्गज यानी कि सीईओ जो हैं गूगल के सीईओ जो हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने कहा कि कम विलंबता और यानी कि देर बहुत कम लगेगा, ठीक है, टाइम बहुत कम लगेगा, कम विलंबता और बेहतर उपलब्धता के साथ व्यवसाय अब तेज़ी से नवाचार कर सकते हैं। जो व्यवसाय होंगे, जो बिजनेस होगा, जो ऑक्यूपेशन होगा, जो इंडस्ट्री होगा, अपना इनोवेशन क्रिएटिविटी इस कारण से बहुत तेज़ी से कर सकेगा। उससे क्या होगा कि उच्च प्रदर्शन वाले लोग जो होंगे एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्या खुले और भरोसेमंद क्लाउड का लाभ उठाकर ग्राहकों की बेहतर सेवा कर सकते हैं, ठीक है, इस ये जो क्लाउड क्षेत्र खोला है इसके उपलक्ष्य पर उन्होंने कहा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है एनबी ड्राइवर, ठीक है, एनबी ड्राइवर आपसे पूछा जाएगा कि एनबी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अल्गोरिदम किस संस्थान ने विकसित किया है। तो आपको इसे भी याद रखना है कि IIT मद्रास ने एक एनवी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम विकसित किया है। और ये क्या करेगा? तो जो कैंसर, ठीक है, कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जो कि जब कैंसर किसी व्यक्ति में कैंसर पनपने लगता है, तो उस एक्टिविटी को, उस लक्षण को पहचानने में ये एनवी ड्राइवर मदद करेगा, ठीक है। एनवी ड्राइवर जो कि IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है, तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जो कैंसर के लक्षण दिखेंगे लोगों में, तो उनको पहचानने में, शुरुआती लक्षण को पहचानने में ये मदद करेगा एनवी ड्राइवर। वहीं पर बात करते हैं नीति आयोग की, ठीक है, नीति आयोग की। तो नीति आयोग ने अभी दो पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है को एविड पोर्टल, और एक पोर्टल है नीति आयोग की पोषण ज्ञान पोर्टल। याद रखना है नीति आयोग की दो पोर्टल है, को एविड पोर्टल और पोषण ज्ञान पोर्टल। वहीं पर सीबीएसई ने एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन CBSE ने अभी लॉन्च किया है। वहीं पर IIT मंडी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है लक्ष्मण रेखा ऐप, ठीक है, लक्ष्मण रेखा। इन एप्लीकेशन, मोबाइल वेब, मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल्स, इन पर जो इनके क्या क्या काम है, इनके बारे में पूरा डिटेल पर एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जो कि पूरे जनवरी से लेकर जून 2021 तक और अभी तक जितने भी ऐप पोर्टल्स बने हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी मैं अपने वीडियो में लेकर आऊँगा। चलिए आगे बात करते हैं,
अगला क्वेश्चन है कि भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में किन्हें नामित किया गया है, तो हु हैज़ बीन नेम्ड एज द प्रेस अताशे ऑफ इंडियाज ओलंपिक कॉन्टिजेंट। देखिए ये बीके सिन्हा साहब हैं, ठीक है, बीके सिन्हा ये हरियाणा के पूर्व डीजीपी हैं, ठीक है, ये आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, हरियाणा के डीजीपी भी रह चुके हैं बीके सिन्हा, और राष्ट्रपति से इन्हें सम्मान भी मिल चुका है, पुलिस पदक भी मिल चुका है। तो इनको अभी ओलंपिक दल जो जा रही है, इंडिया से जो ओलंपिक दल जा रही है 23 जुलाई से जो ओलंपिक टोक्यो में स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पर प्रेस अताशे के रूप में, यानी कि प्रेस के साथ ये जा रहे हैं, मीडिया के साथ ये जा रहे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी होता है प्रेस अताशे, जो कि मीडिया ग्रुप के साथ जाता है, वो बीके सिन्हा को इस बार अपॉइंट किया गया है ओलंपिक में जाने के लिए। वहीं पर बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह, तो आपको इससे याद रखना है कि जसप्रीत बुमराह को अभी वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर अभी जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है। सोनू सूद को असर इंडिया, ठीक है, एक असर इंडिया और स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया गया है, असर इंडिया और स्पाइस मनी। वहीं सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स, ठीक है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर इनसे नियुक्त किया गया है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किस राज्य सरकार की योजना है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम, यानी कि हर एक ब्लॉक, जो राज्य में जितने ब्लॉक हैं उन सारे ब्लॉक से एक प्रोडक्ट हमें चाहिए, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को, छोटे छोटे जगह में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लाई गई है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। तो ये प्रोडक्ट है, ये जो स्कीम है, ये किसकी स्कीम है? हरियाणा राज्य सरकार ने जारी किया है, हरियाणा राज्य सरकार की स्कीम है एक ब्लॉक एक उत्पाद। चलिए देख लेते हैं हर एक जो ये वीडियो है, तो ऑप्शंस जितने आते हैं तो उन ऑप्शंस के साथ भी खेलना बहुत जरूरी होता है, अभी उससे क्या होगा, हमें बहुत सारी करेंट अफेयर्स के नॉलेज होंगे। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, कहाँ की योजना है? मध्य प्रदेश की योजना है। वहीं पर इसकी दूसरी योजना है, इसकी दूसरी आपको याद रखना है एफ आई आर आपसे पूछा जाए कि यहाँ की जो योजना है वो याद रखना है, मैं हर वीडियो में ऐसे जानकारी आपको देते रहूँगा। FIR आपके द्वार, जीवन अमृत योजना किसकी योजना है? मध्य प्रदेश सरकार की जीवन अमृत योजना। वहीं युवा स्वाभिमान योजना, किल कोरोना अभियान और रोजगार सेतु योजना, अंकुर योजना। ये मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स और योजनाएं हैं, आपको इसे याद रखना है। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। FIR आपके द्वार, जीवन अमृत योजना, युवा स्वाभिमान योजना, किल कोरोना अभियान, रोजगार सेतु योजना, अंकुर योजना, ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। आपको यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं के बारे में हम देख लेते हैं। अभ्युदय कार्यक्रम कहाँ की है? कहाँ का है? अभ्युदय, ठीक है, अभ्युदय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की है। वहीं पर किसान कल्याण मिशन, अगर आपसे पूछा जाए तो किसान कल्याण मिशन जो है कहाँ का योजना है, कहाँ का मिशन है? किसान कल्याण मिशन ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ की योजना है? उत्तर प्रदेश की, नवीन रोजगार छतरी योजना। और उसके बाद एक है बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। तो इतने योजना के बारे में आपको जानकारी रखनी है, ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट जो हमारा करेंट अफेयर्स का सेशन होगा उसमें और योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का एक मास्क अनेक जिंदगी, FIR आपके द्वार, जीवन अमृत, युवा स्वाभिमान, किल कोरोना, रोजगार सेतु, अंकुर योजना। वहीं पर उत्तर प्रदेश की है अभ्युदय, किसान कल्याण मिशन, नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक योजना, ठीक है, इतने से आपको यहाँ से जानकारी रखनी है। अगला है कि भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये मतलब इसके बारे में जानना चाहिए कि जो भिक्षु फल होते हैं वो चाइना का एक मोंग फ्रूट होता है, ये आप देख रहे होंगे, ये मोंग फ्रूट कहलाता है, ये चाइना में उपज होती है इसकी, और भारत में इसका पहला जो उत्पादन है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो वो हुआ है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में,
ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इंडिया का फर्स्ट मोंग फ्रूट का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। आपको याद रखना है मोंग फ्रूट का प्रोडक्शन इंडिया का फर्स्ट कहाँ स्टार्ट हुआ है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। चलिए अभी जो हो गया हमारा इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गया, तो 18 से 18-19 का करंट अफेयर्स मैंने किसी कारणवश नहीं डाल सका था, उसके लिए मैं वन लाइनर के फॉर्मेट में 18 से 20 जुलाई तक के आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी रखना है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 18 से 20 जुलाई का जो टॉप वन लाइनर है एक बार उसे देख लेते हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। राज्यसभा का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है, मुख्तार अब्बास नकवी। इससे पहले राज्यसभा के उपनेता कौन थे, तो इससे पहले पीयूष गोयल जी थे, और पीयूष गोयल क्या बने हैं ये मैंने अपनी वीडियो में बताया है। अभी उसको कौन सा नेता नियुक्त किया गया है, राज्यसभा के कौन से नेता के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है, तो आप एक बार कमेंट में बताएं। उसके जगह खाली होने से मुख्तार अब्बास नकवी को उपनेता के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। यूट्यूब पर पहली बार लाइव कार्रवाई प्रसारित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट, पहला कोर्ट कौन बन गया है, तो गुजरात हाई कोर्ट यूट्यूब पर अपनी कार्रवाई को लाइव प्रसारित करने वाला पहला हाई कोर्ट बन गया, तो ये आपको याद रखना है। मिजोरम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया, के हरिबाबू। मिजोरम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया, के हरिबाबू। इससे पहले मिजोरम का राज्यपाल कौन था, तो इससे पहले पी एस श्रीधरन पिल्लई था, अभी वो कहाँ चले गए, गोवा में चले गए, इतना आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने भारतीय एथलीटों ने क्वालिफाई किया, तो जो 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें कितने भारतीय एथलीटों ने क्वालिफाई किया, आपको याद रखना है 127 यानी कि 127। वर्ष 2021 में भारत और अमेरिका ने, मतलब भारत और अमेरिका जो द्विपक्षीय व्यापार होता है दोनों साइड से, मतलब दोनों साइड का जो व्यापार होता है भारत अमेरिका में, अमेरिका भारत में, इसका जो कितने अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है 2022-21 में, तो $500 बिलियन। खुशियों का आसियाना लघु फिल्म प्रतियोगिता, शॉर्ट फिल्म जो होते हैं उसका जो कंपटीशन है खुशियों का आसियाना नाम से किया गया है, किस पहल के तहत इसे लॉन्च किया गया है, तो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत खुशियों का आसियाना लघु प्रतियोगिता लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से कितनी MH-6OR मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त किया, आपको याद रखना है भारतीय नौसेना को MH-6OR मल्टी रोल हेलीकॉप्टर 2 मिले हैं अमेरिका से। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको ये 2 है, कंबाइंड रूप से इन्होंने लिखा है, आनंद वेंकट नारायण और शिवम शंकर सिंह। बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आपको याद रखना है। बिटकॉइन आप बहुत सुन रहे होंगे, इधर बिटकॉइन के बारे में आप बहुत सुन रहे होंगे, अगर आपको बिटकॉइन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बिटकॉइन पर एक पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट कौन सी कंपनी बनाएगी, तो आपको याद रखना है स्क्वायर एक कंपनी है जो कि बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने जा रही है। अगला देखते हैं, ट्विटर ने अपने कौन सी सेवा बंद कर दी है, जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है ट्विटर, आप लोग जानते होंगे इसने अपनी कौन सी सेवा बंद कर दी, फ्लिट सेवा इसने बंद कर दी है। अब बीटेक कितनी भाषाओं में की जा सकती है, 11। AICTE ने अप्रूवल दे दिया है कि अब बीटेक 11 भाषाओं में की जा सकती है। वर्चुअल अभ्यास, एक वर्चुअल अभ्यास TTX 2021 किन दो देशों के बीच आयोजित, किन दो देशों के नहीं, किन देशों के बीच, ठीक है, तो भारत श्रीलंका और मालदीव्स, इनके बीच वर्चुअल अभ्यास TTX 2021 किया गया। बशर असद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, सीरिया, आपको याद रखने हैं सीरिया। मातृकवचम टीकाकरण अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू की है, केरल राज्य सरकार ने गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया है, केरल राज्य सरकार ने, ठीक है। जियोमी दुनिया के कौन से नंबर की मोबाइल निर्माता कंपनी बन गई, दूसरे नंबर की, जियोमी जो MI आप सुनते होंगे, सियोमी दुनिया की दूसरे नंबर की मोबाइल निर्माता कंपनी बन गई है। कापू समुदाय कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, इसको 10% आरक्षण आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने देने का घोषणा किया है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं, इन्होंने स्कूल एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2021 लॉन्च किया। किसानों के लिए किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। ये रही आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर पिन कर दिया जाता है कमेंट सेक्शन में PDF, आप वहां से डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। यहां पर डेली करेंट अफेयर्स, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का करेंट अफेयर्स, और GK जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक GK,
के कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए इस चैनल पर मैं ला रहा हूं, जिससे कि आपको अगर आप एसएससी जेडी के अभ्यर्थी हैं तो 25 में 25 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएंगे, या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी पीटी जेपीएससी पीटी एसएससी जेडी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ और रेलवे आरआरबी ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी, चाहे किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएसआई किसी भी एग्जाम की, तो आप वहां से जीके और जीएस और जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस वीडियो को पूरा दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, ताकि आपके लिए और भी बहुत सारे ऐसे ही उम्दा क्वालिटी के कंटेंट आपके सामने हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप हमारे मेहनत को, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे मेहनत को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और सेशन को शेयर कीजिएगा, और जितने भी वीडियो आते हैं शेयर करके लोगों को बताइए कि यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो कि आप देख कर अगर आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगेगा ही, आप वहाँ से शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि फिर से बता दूँ, शेयर करने में दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता है, आपके एक शेयर से हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने का हमें मन करता है। तो चलिए अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं, आपके लिए कल मैं फिर से नए एपिसोड लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए, क्योंकि आ गई है एसएससी जेडी की वैकेंसी। आप वहाँ से, अगर आपको ये पता नहीं है कि एसएससी जेडी की दो और तो पता होगा ही, आप जाकर फॉर्म को जल्दी से भर ले और फॉर्म भरने के बाद अपने तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का क्या हालत है अभी आप देख रहे होंगे। चलिए अब हम लोग अपने आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।